देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 89वीं जयंती के उपलक्ष्य में 9 अगस्त से बेंगलुरु से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हरी झंडी दिखाकर राजीव ज्योति सद्भावना यात्रा को रवाना किया। रविवार को ताज नगरी पहुंचने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना यात्रा का स्वागत किया गया। श्री परमंदूर से शुरू किया ये यात्रा 9 तारीख को श्री परमंदूर से शुरू करके तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बाद में हरियाणा न्यू दिल्ली पहुँच गए। ये ज्योति उधर रख के प्रेयर मीट किया। क्या किया गलत तो आतंकवादी नहीं रहना, देश में शांति रहना, उसका वजह से लेके आने का ज्योति है। 32 ईयर्स का ज्योति यात्रा है। अभी आगरा पहुँच गया, आगरा में शाहिद खान हमारे को रिसीव कर लिया। ये राजीव गांधी जी की जो ये यात्रा जो कर्नाटक से स्टार्ट हुई है, जो कर्नाटक के सम्मानित अपने मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम जी के द्वारा ये जो यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। इनका जो मकसद है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये शांति का पैगाम ले जाना चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में शांति भी नहीं रहे। ये यात्रा के आगरा पहुंचने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने इनका जोरदार स्वागत किया है, इनका सम्मान किया और यह यात्रा आगे के लिए रवाना हो रही है। राजीव गांधी को श्री परम्बतूर में कहाँ मानव बम से उड़ा दिया, वहाँ से लेकर आई ज्योति। ये ज्योति का उद्देश्य क्या है? ये देश में आतंकवादी नहीं चाहिए, ये देश में अमन के लिए लेने वाला ज्योति है ये। और ये राजीव गांधी का संदेश है। राजीव गांधी 18 साल में वोटिंग पावर दिया, पंचायत राज बनाया, कंप्यूटर वर्ल्ड बनाया, अभी मोबाइल वर्ल्ड बनाया। मोबाइल में सुबह किधर आदमी भी बात कर सकता है। वो मोबाइल दे गया तो राजीव गांधी का याद दिल में आ जाता है। भारत देश का महान स्वर्गीय राजीव गांधी जी यहाँ किधर आया थे भी राजीव गांधी के नाम से सुबह बुलाता है। क्यों बुलाता है? ये देश में अच्छा रहने के लिए क्या काम कर रहा है करो। ये 32 साल से लेकर आई राजीव जो यात्रा, इसको चेयरमैन नहीं दौरे, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट है इसमें आपके साथ। ये अभी इलेक्शन आने वाला इलेक्शन है 24 में हमारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री होएगा। क्यों होएगा? अभी आपको सबको मालूम है वहाँ गुजरात में जज 2 साल नहीं रहना बोलिया, मगर सुप्रीम कोर्ट क्या कर, तुम्हें पार्लियामेंट जा सकता बोलिया, जा सकता बोलने में वोट पहले जीता है हमारा।